एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल प्रश्नों का उत्तर बताऊंगी। महत्वपूर्ण और अनमोल प्रश्न यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्रार्थना करते हैं, अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त कीमती समय प्रार्थना में बिताते हैं, बहुत मेहनत परिश्रम करते हैं, फिर भी उनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। क्यों? आखिर उनकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर क्यों नहीं देता है? इस प्रश्न का उत्तर जरूर जानिए कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी प्रार्थना का उत्तर ना मिलने का कारण पवित्र बाइबल क्या बताता है। देखेंगे ऐसा भविष्यता की पुस्तक 59 अध्याय के वचन 1 और 2 को। इसमें लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उधार ना कर सके, ना वो ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मेरे मसीह भाई बहन, जिन लोगों को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है उन लोगों से ऐसा भविष्यवक्ता की पुस्तक 59 अध्याय के वचन 1 और 2 में परमेश्वर कह रहा है कि हे प्रार्थना के उत्तर न प्राप्त करने वाले लोगों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं तुम लोग से कहता हूँ कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि तुम्हारा उद्धार न कर सके, और न मैं ऐसा बहिरा हो गया हूँ कि तुम्हारे आवाजों को सुन ना सकूं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको मुझसे अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण मेरा मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि मैं तुम्हारे आवाजों को नहीं सुनता। तुम लोग मुझसे प्रार्थना करते तो हो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना अधर्म और पाप में गिनी जाती है, इसलिए क्योंकि तुम लोग मेरी व्यवस्था पर नहीं चलते, मेरे आज्ञाओं को नहीं मानते। तुम लोग वही कहते हो जो मेरे व्यवस्था और नियम के खिलाफ है। तुम्हारी अंगुली अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है, तुम्हारे मुंह से झूठी और जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। तुम लोग दुनियावी चाल चलते हो, मैं जिससे प्रसन्न होता हूँ जो चाहता हूँ तुम लोग करते ही नहीं हो, मेरे आज्ञा को मानते ही नहीं हो। तुम लोग प्रार्थना में प्रश्न तो मुझसे कहते हो, लेकिन उत्तर दुनिया के लोगों के सुनते हो और वही कहते हो जो दुनिया कहती है चाहती है। तुम लोग लोभ, पाप, निंदा, हत्या, चोरी, बेमानी, निर्दोष को दोषी ठहराते हो, इसलिए मैं तुम लोगों से अलग हो गया हूँ और यही कारण है कि मैं तुम लोगों के आवाजों को नहीं सुनता। तुम्हारे गलत स्वभाव चाल चलन से मेरा मुंह तुम लोगों से छिपा हुआ है, इसलिए तुम लोग मुझे नहीं पहचान सकते हो और मैं तुम लोगों का उद्धार नहीं कर सकता हूँ, तुम लोगों के प्रार्थना का उत्तर नहीं दे सकता हूँ जब तक तुम लोग अपने आप को सुधार नहीं लेते। मेरे मसीह भाई बहन, जब आप लोग ईसा की पुस्तक 59 अध्याय के वचन 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे तो इसमें परमेश्वर धर्मी मनुष्य और पापी मनुष्य के बारे में बताते हैं। इसमें लिखा है कि परमेश्वर धर्मियों की आवाजों को सुनता है और धर्मी मनुष्य के द्वारा पापी मनुष्य के अंदर परमेश्वर अपना प्रेम संदेश यह सुनाता है कि जब तक पापी मनुष्य अपने पाप को परमेश्वर के सामने कबूल न कर ले और अपने पास से पाप को अलग न कर दे, तब तक परमेश्वर उसकी आवाजों को नहीं सुनता। और यह भी लिखा है कि जब तक पापी मनुष्य परमेश्वर के प्रेम में न बन जाए और उसके वचन का पालन न करे, तब तक परमेश्वर के बनाई हुई व्यवस्था में नहीं आता। और जो कोई परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं आता, उसकी बनाई हुई व्यवस्था पर नहीं चलता, वह धर्म के मार्ग को यानी परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचान सकता, क्योंकि रोमियों 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन जब वही पापी मनुष्य अपने मन को पाप से फिरा लेता है तो परमेश्वर उसकी आवाजों को सुनने लगते हैं
और वही मनुष्य धर्मी मनुष्य बन जाता है और स्वर्ग राज का अधिकारी होता है। और उस मनुष्य के लिए परमेश्वर का हाथ पाप श्राप शैतान और रोगों को नष्ट करने वाला चीज चमत्कारी बन जाता है। और बाइबल ये भी बताती है कि जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके व्यवस्था पर चलता है, उससे प्रेम करता है, वह मनुष्य परमेश्वर से बातें करता है, बातें करने वाला बन जाता है। और वह मनुष्य जान जाता है कि परमेश्वर का हाथ धर्मियों के लिए है, न कि पापियों के लिए। अर्थात जब एक मनुष्य परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेता है और उसके व्यवस्था अज्ञान नियम का पालन करता है, उसके वचन का अनुसार चलता है, परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाता, परमेश्वर के खिलाफ कोई काम नहीं करता, उस मनुष्य के लिए परमेश्वर का हाथ सहायता करने वाला बन जाता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल नहीं करता है, ये जानते हुए कि वही एक साचा जीवित खुदा है, वही एक परमेश्वर है, फिर भी उसके यानी परमेश्वर के आज्ञा व्यवस्था तो नियम का पालन नहीं करता है, बार बार परमेश्वर के खिलाफ काम करता है, उसके वचन के खिलाफ चलता है, तो बाइबल बताता है कि उस मनुष्य के लिए वही परमेश्वर का हाथ नाश करने वाला बन जाता है। यह भी लिखा है ईसा भविष्यकर्ता की पुस्तक 59 अध्याय के वचन 4-7 तक में कि परमेश्वर हर एक मनुष्य के परिश्रम का फल देता है। लेकिन परिश्रम करने वाले सबसे पहले ये जान ले कि कैसा फल प्राप्त करने के लिए आप परिश्रम यानी कर्म कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि जो कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा, तो ये जान ले कि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ वचन झूठा नहीं है, नहीं हो सकता है, फिर नहीं हो सकता है, क्योंकि लिखा है हर एक किसी को उसके कामों के अनुसार परमेश्वर फल देते हैं। अगर आप पाप का काम करते हैं तो एक दिन पाप के ही जन्म देंगे, ये निश्चित है। जिस पाप को आप जन्म देंगे वही पाप आपको नष्ट कर देगा, क्योंकि लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु है। इसलिए पवित्र बाइबल बताते हैं कि धर्मी बनकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि अच्छा फल होंगे तो अच्छा फल काटेंगे और इससे हम शरीर और आत्मा दोनों में जीवित रहेंगे। क्योंकि जो पाप करते हैं वो शैतान के संतान कहलाते हैं और वो आत्मा में मर जाते हैं, केवल शरीर में जीवित रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वह धर्म के काम करते हैं, वे परमेश्वर की संतान कहलाते हैं और शरीर आत्मा दोनों में जीवित रहते हैं। इसलिए अगर परमेश्वर की संतान कहलाना है और अपनी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करना है, तो इस्या 51 अध्याय के वचन 7 में परमेश्वर क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। फिर परमेश्वर ईसा 55 अध्याय के 10-11 में कहते हैं कि अगर तुम लोग जो मैं कहता हूँ वैसा करोगे, तो जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वर्ण भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं और जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। जय मसीह की। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करें। अगला वचन सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।